इसके सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद राहुल गांधी पहली बार एबीपी न्यूज नेटवर्क से मुखातिब हो रहे हैं। राहुल जी आपका स्वागत है और साथ में ही आपको खूब खूब अभिनंदन जिस प्रकार से आपका चुनाव हुआ। पहला पड़ाव आपका जो है गुजरात चुनाव के नतीजे हैं, 16 तारीख को आप पदभार संभाल रहे हैं, 2 दिन के बाद ही नतीजे, क्या उम्मीद क्या अपेक्षा? इस बार गुजरात में मुझे लगा कि लोगों में काफ़ी गुस्सा है बीजेपी से, और जो विजन बीजेपी को देना था वो बीजेपी और मोदी जी नहीं दे पाए, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी गुजरात में चुनाव जीतने वाली है। हमने बहुत अच्छी तरह गुजरात की जनता से पूछकर, हर वर्ग से पूछकर हमने अपना मैनिफेस्टो बनाया, हमने गुजरात के लिए एक विजन दिया है, और ये हमारा विजन नहीं है, ये गुजरात की जनता का विजन है। कितने कॉन्फिडेंट है सर, क्योंकि 92 फुली कॉन्फिडेंट है, ये बिल्कुल एक तरफा चुनाव होगा, इसमें बिल्कुल एक तरफा, ये 92 की बात नहीं है, ये एक तरफा जाएगा, क्योंकि सेंटिमेंट अब बदल गया है। क्योंकि राहुल नरेंद्र मोदी गुजरात से और वही नारा लेके आए थे कांग्रेस मुक्त भारत का, अब गुजरात के चुनाव है, अब जब पदभार संभाल रहे हैं, काफ़ी राज्यों में आपकी पहले सरकार हुआ करती थी, बहुत कम राज्यों में सरकार बची, बड़े 2 राज्यों में बची, आपको क्या लग रहा है कितनी बड़ी ये चुनौती है, और क्या नवसर्जन गुजरात के साथ नवसर्जन कांग्रेस भी हो सकता है? कांग्रेस पार्टी एक पुरानी विचारधारा है, हिंदुस्तान में प्यार की, भाईचारे की, सबको एक साथ ले जाने की विचारधारा, और इसको हिंदुस्तान से मुक्त किया ही नहीं जा सकता है। अगर कांग्रेस मुक्त हो गई तो नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में आधा टाइम कांग्रेस को क्यों देते हैं? मेरी कोशिश होगी कि हम कांग्रेस पार्टी के जो विचारधारा है उसको देश में आगे बढ़ाएं, प्यार से राजनीति करें। मुझे लगता है कि आजकल जिस प्रकार से बोला जाता है देश को वो शोभा नहीं देता है, तो मैं चाहता हूं कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स थोड़ा शिफ्ट हो, थोड़ा प्यार से बात हो। ठीक है, ज़रूर मतलब आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज हैं, मगर तमीज़ से बात होनी चाहिए। राहुल, जिस प्रकार से खुद आपकी पार्टी के नेताओं के बहन आए, मणिशंकर अय्यर की मैं बात कर रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है चुनाव का इस पर प्रभाव नज़र आ रहा है? क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले, आप खुद पहली रैली से कहते रहे कि प्रधानमंत्री के खिलाफ एक भी वर्ष को नहीं निकलेगा। प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उस पद की आदर करनी है। मैंने बहुत क्लियर मैसेज भेजा, मणिशंकर जी ने जो बोला वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, और मैंने उनको क्लियरली कह दिया कि देखिए ऐसे तरीके से कांग्रेस पार्टी में नहीं बोला जाएगा प्रधानमंत्री के बारे में। लेकिन डिफरेंसेस हैं हमारे प्रधानमंत्री जी से, डिफरेंसेस हैं, वो हमारे बारे में जैसे भी बोलें वो उनके ऊपर हैं, मगर कांग्रेस पार्टी के लोग उस प्रकार से नहीं बोलेंगे। उन्होंने तो चुनावी रैलियों में यह तक आरोप लगा दिया कि पाकिस्तान के लोगों के साथ बैठक कर दी, मनमोहन सिंह जी ने पाकिस्तान के साथ भारत के अच्छे रिश्ते नहीं, ऐसे माहौल में बैठक कर दी, उसको किस नज़रिए से देखते हैं? मनमोहन सिंह जी ने शायद बहुत अच्छा जवाब दिया कि मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी मैंने हिंदुस्तान के लिए दी है, और एक्स प्राइम मिनिस्टर के बारे में इन शब्दों से इस तरीके से बोलना प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता है। विकास गांडो थैयो से का नाम का डायलॉग था, फिर बीजेपी भी इसी प्रकार का नारा लेके आई, मैं हूँ गुजरात, मैं हूँ विकास। आपको क्या लग रहा है चुनाव का जो मोड है कहीं ना कहीं बदल गया आखिरी दिनों में, जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है? नहीं, जिस प्रकार से मुझे, मैं अब 3-4 महीने से मूड देख रहा हूँ और टेम्पो बढ़ता ही जा रहा है, जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से बस बढ़ता ही जा रहा है। मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि बीजेपी सरप्राइज हो जाएगी।